हेलो दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रोडी हैन, सो साइन ऑफ ब्रोडी हैन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रोडी हैन का पता कैसे करें कि हमारी मुर्गी जब कुड़क हो तो उसका पता हमें कैसे चलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी और देर ना करते हुए हम दिखाते हैं कि साइन ऑफ ब्रोडी हैन तो है। तो ये वाली जो हमारी ब्लैक मुर्गी है, ये हो चुकी है अभी पूरी तरह से कुड़क, यानी कि ये रात की बैठी है और ये कुड़क हो चुकी है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि साइन ऑफ ब्रोडी हैन क्या है। सबसे पहले दिखा दूं, मैं इस मुर्गे के साथ इसका पेयर लगा था और ये वाली मुर्गी भी अभी अंडे दे रही है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कुड़क हो जाएगी। और ये वाली मुर्गी ने अभी अपनी झोली में अंडा पूरा लास्ट वाला रात दिया था, एक मैंने रात देखा था तो मैंने उठा कर रख दिया था। और अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साइन ऑफ ब्रोडी हैन कि हम कैसे पता करें कि हमारी जो मुर्गी है वो कुड़क हो जाती है। बाद मुर्गियां ऐसी करती हैं कि मुर्गियां एक दो दिन बैठती हैं और फिर उठकर चली जाती हैं, लेकिन असली जो साइन होता है वो ब्रोडी हैन का क्या होता है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला साइन क्या होता है, जब हम मुर्गी के पास हाथ करेंगे तो इस तरह की आवाज़ें निकालेगी। ये देखें, अगला देखें आप किस तरह की, इस तरह अपने फरों को ऊपर कर लेगी और आवाज़ें निकालने लगेगी। ये देखें अगर आप इस तरह की आवाज़ें निकालने लग जाएगी मुर्गी। सो ये होता है फर्स्ट साइन। सेकंड साइन ये होता है कि अगर आप उसे दाने के लिए बाहर निकालेंगे तो वो दाना चुग कर फटाफट फिर अंदर बैठ जाएगी, क्योंकि वो कुड़क होती है और वो ज़्यादा खुड्डे से बाहर नहीं निकलती, वो वहीं पर बैठी रहती है। और ये अब रात की बैठी है, इंशाल्लाह ये एक दो दिन ऐसी बैठेगी, हम इसके नीचे अंडे भी रखेंगे। सो ये इस तरह बैठती है। और सेकंड साइन होता है कि जब हम उसके पास में कोई वगैरह में, जैसे मेरे पास ये अंडा है, अगर मैं उसके पास अंडा रखूं तो वो उसे नीचे कर लेती है। तो देखें अगर आप, तो ये इस तरह अंडे को नीचे कर लेती है। अगर मैं अंडे को, ये देखो ये अंडा इसने नीचे कर लिया, ये इस तरह नीचे कर लेती है अंडे को। और ये होता है थर्ड साइन। और फोर्थ साइन ये होता है कि आप अगर उसे उसके पास अगर जाएंगे, वो मैंने बता ही दिया, इस तरह अपने फरों को जो है खड़ा करने लग जाएगी और बैठी रहेगी एक जगह। और इसका मतलब ये होता है कि, और वो अंडे भी देना बंद कर देगी, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो मुर्गी है वो अभी कुड़क हो चुकी है पूरी तरह से। सो ये थी मेरी मुर्गी और ये इंशाल्लाह माशाल्लाह से कुड़क हो चुकी है। अभी इंशाल्लाह हम इससे के नीचे अंडे भी रखेंगे और अंडों के बाद हम इससे बच्चे निकलवाएंगे इंशाल्लाह। पिछली वीडियो में भी मैंने एक, पिछले मेरी जो वीडियोस हैं ओल्ड वीडियोस, उसमें मैंने दिखाया था जब ये पहली बार कुड़क हुई थी, अभी माशाल्लाह दूसरी बार कुड़क हुई है और हम इसके नीचे अभी अंडे रखेंगे और बच्चे निकलवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ये अभी थोड़ा सा एक्साइटिंग मुझसे डर रही है, और ये वाली मुर्गी भी अंडा दे रही है और इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द कुड़क होगी इस मुर्गे के साथ पेयर बनाकर। एंड तो इंशाल्लाह हम इसके बच्चे भी निकलवाएंगे और अंडे की नेक्स्ट वीडियो में ज़रा इंशाल्लाह इसके अंडे वगैरह रखने पर रखेंगे। और ये भी बताएंगे अगर आप चाहते हैं कि अभी मुर्गी अंडे नहीं दे रही तो क्या करें, ये भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वीडियो में पूछ, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन एक बात और कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिए करें, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव कमेंट मत कीजिए करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट में विद अनदर टॉपिक।